केएफसी की ऑफर देता हूँ मैं आज, मैकडोनल्ड की ऑफर देता हूँ। केएफसी खा लो यार। क्यों खा लो ना, केएफसी का मैकडोनल्ड फ्री में मिल रहा है भाई। देख लो मैं तो फ्री में ऑफर दे रहा हूँ भाई, खाओगे? नहीं खा रहे? फ्री में भी नहीं खाओगे? चलो एक काम करो, घर वालों के लिए भी फ्री है, कर लो यार। ये देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, सुई लगाओ डॉक्टर साहब, सुई लगाओ इस बच्चे के, सुई लगाओ डॉक्टर साहब, सुई लगाओ। लगाऊं सुई? लगाऊं? भागो घर में, भागो घर में, गोटी कल्टी मार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? भाई यहाँ पर नमाज की बिल्कुल तैयारी हो गई और मेरे ख्याल से टाइम ऊपर हो गया, देर हो रही है। हसन देर हो रही है, चले। पापा जी, पापा जी, कौन सी मस्जिद में जाएंगे जो घर के करीब है? हाँ वहाँ पे पीछे गली में। बाइक पे जाएंगे ना। और आपने ब्लैक कलर की टोपी पहनी हुई है? मैंने भी पहनी हुई है। चलो भाई जल्दी चलो, मोबाइल घर में रखते हो, चलना देर हो रही है, टाइम हो गया। भागो 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 भागो। हमने सारी बातें हसन से ही कर ली खाली, और यहाँ पर एक बच्चा कुछ लेके खड़ा हुआ है। अली क्या है आपके हाथ में, ये क्या कर रहे हो आप? अरे ये तो अमरूद लग रहा है मुझे। चले चले मेरे बेटा नमाज पढ़ने चले। चलो ओके, चलो भाई नमाज पढ़ने जाते, मोबाइल घर में रख के जाएंगे क्योंकि यार हालात ठीक नहीं है। अम्मा जी ने सख्ती से मना करा हुआ अभी फिलहाल, जुम्मे वाले दिन तो खास तौर पे। तो अभी नमाज पढ़ कर आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हसन आपने नमाज पढ़ ली? क्या दुआ मांगी थी? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी आपने? क्या मांगा था मेरे बेटे ने? अरे माशाल्लाह भाई, हसन ने दुआ पता है क्या मांगी है? हम अल्लाह ताला के घर जाएंगे। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल दिया ना, अब ये जाएंगे भाईजान। अली इधर आए। अली आप मस्जिद में क्या बोल रहे थे? अली मुझे बोल रहा है पापा वो जो कार्ड हमने बनने के लिए दिया था उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। मैंने समझ रहा हूँ कौन सा कार्ड की बात कर रहा है। अली कौन से कार्ड की बात कर रहे थे? अल्लाह के घर के लिए कौन सा कार्ड? ओहो अच्छा अच्छा, ये अपनी मम्मा का एनआईसी बोल रहा है, बोल रहा है कि पापा आपने कहा था ना जब वो चेंज होकर आ जाएगा फिर हम अल्लाह के घर जाने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो, फिर देखना अल्लाह पाक जल्दी बुलाएंगे इंशाल्लाह। गुड। यहाँ पर हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं तो वहाँ पर एक बच्चा आया। अली तरह साइड में होना बेटा। जी भाई जान अस्सलाम वालेकुम, हमसे मिलना आए हो? वहाँ से देख के मुझे बोल रहा है, बोल रहा है फाद भाई आप ब्लॉगर हैं? मैंने कहा नहीं यार, बोल रहा है आपसे मिलना आए हम। कौन कौन आया है? समी और मैं। कहाँ है समी? बुलाओ जरा समी को, बाहर आने को बोल रहे हैं। अरे भाई जाना पड़ेगा भाई, क्या करें यार। यार ये जुम्मे वाले दिन ना बच्चों की कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो जाती है हमसे, बेचारे आ जाते हैं, पर यार मैं मना नहीं करता, अच्छी बात नहीं है, बच्चों का दिल तोड़ नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, समीर भाई हैं आप? समीर भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, कहाँ से आए आप? साढ़े तीन से। ये इतनी दूर दूर से लोग क्यों आ रहे हैं? साढ़े तीन से साढ़े तीन करीब थोड़ी है, हैं मुझसे मिलना आए हो? ये कौन है? अली है ये, और ये भाई ये हसन है। हसन आपको जानते हैं? आप जानते हैं इनको? नहीं जानता भाई, हसन हंस रहा है। थैंक यू भाई आप मुझसे मिलने आया हो, वो भी फ्राइडे वाले दिन बरकत हो जाती है घर पे, हैं लोग मिलने आते हैं मेरे से। आपका भी चैनल है? वाह भाई वाह, क्या बनाते हो चैनल के अंदर? ब्लॉगिंग करते हो, डेली की दिखाते हो? अभी तो स्कूल में ध्यान लगाओ यार, अभी तो आप लोग छोटे हो, अभी तो आप स्कूल में दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अभी इन चक्करों में नहीं पड़ो। हसन हसन बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, साइड में खड़े हो हैं? तो हाँ अभी नहीं करो ना, देखो अभी तो मैट्रिक करो, फिर अच्छा अच्छा पढ़ाई करो, ताकि ना फिर अभी हमारे 400 हो गए। इस बच्चे के 30,000 चैनल ही बंद हो गया? क्या कर रहे थे भाई ऐसा? क्या कर रहे थे? कार्टून की वीडियो डाल रहे थे, बनाते थे? बनाना आते हैं? क्या बनाते थे? कौन से सॉफ्टवेयर पे है? कपकेट। हाँ उसी केप कट, केप कट देता हूँ उसको, उस पर बनाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चैनल ही बंद हो गया, पढ़ाई लिखाई करो पहले। देखो मैं तो इसलिए बनाता हूँ कि मैं कुछ सिखाऊँ। अभी आप खुद सीखने की स्टेज पर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप पहले पढ़ाई पे दीवान लगाओ बेटा, उसके बाद जब आप मैट्रिक कर लो, जब आप कहीं पे जॉब्स करो या कुछ, अब फिर स्पेशलिटी आ जाएगी आपके अंदर ना, आप फिर अच्छे माइंड में सोचोगे भी, फिर ये स्टार्ट करना है ये चीज़ें। अगर आप ये स्टार्ट करोगे ना अभी, आप आपका पूरा माइंड यहाँ लगा रहेगा, फिर आप पढ़ोगे लिखोगे कुछ भी नहीं, अभी आपकी स्टेज पढ़ने लिखने की, ठीक है ना? कुछ खातिरदारी करें हम आपकी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाएं, मैकडोनल्ड खिलाएं,
KFC क्यों भाई? मैंने बच्चों को बोला, मैंने बोला भाई KFC की ऑफर देता हूँ मैं आज, मैकडोनल्ड की ऑफर देता हूँ, KFC खा लो यार। क्यों? जोर से तो बोलो यार, मेरे पास माइक नहीं लगा भाई। हम नहीं खा रहे। क्यों? खा लो ना, KFC का मैकडोनल्ड फ्री में मिल रहा है भाई। क्या ओ फर्स्ट सीन? क्या जब भी नहीं खा रहे? इसराइल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अमेरिका का है, ठीक है। हाँ गुड गुड गुड, देख लो मैं तो फ्री में ऑफर दे रहा हूँ भाई। खाओगे? नहीं खा रहे? फ्री में भी नहीं खाओगे? चलो एक काम करो, घर वालों के लिए भी फ्री है, कर लो यार, खा लो यार भाई। घर वालों के लिए फ्री है, घर वाले बोलेंगे ओए ओए बर्गर। हमसे मिलना आए थे खाली बस? मैं फ्री में बर्गर दिलवा रहा हूँ KFC का और मैकडोनल्ड का। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 भाई, फलस्तीन भाइयों के खून में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये देखो ये बच्चा ऊपर चढ़ के बैठ गया, इसको नहीं पता इसने मेरी बाइक का स्टैंड टेढ़ा कर दिया है। टू टू, चलो भागो घर में, चलो कपड़े गंदे हो जाएंगे भाई साहब। ये आ जाते हैं फौरन से बाहर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। हैं डेली व्लॉग देखते हो? डेली व्लॉग देखते हो आप मेरे? आप यकीन करो मेरी खुद की हालत बुरी हुई थी डेली व्लॉग बना बना कर। मैं जॉब पे भी जाता हूँ, उसके बाद इसको एडिटिंग भी करता हूँ, इसमें ना सब में मेरी हालत बुरी हो जाती है। 4,000 की जैकेट ली थी, वो भी देख ली थी। वाह यार भाई, मुझसे ज़्यादा मालूम आत ना मेरे फ्रेंड्स को होती है भाई। थैंक यू यार, आप मुझसे मिलने आए, मैं तो आपको ऑफ़र भी दे रहा था, आपने ली नहीं मैकडोनल्ड की और की, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये ना देखिए, मैकडोनल्ड KFC तो एक अलग मसला है। अगर आपको चीटोस वगैरह भी कोई खाता हुआ नजर आया करें ना, चीटोस हो गई, लेज हो गई, तो ये भी नहीं खरीदा करो, ये भी उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, समझ रहे हो? कोई अगर खाते हुए नजर आया ना, तो आप उनको भी ये भी मना करो। एक वाली बोतल भी। कौन सी? नेस्ले। हाँ। नेस्ले की बोतल है यार, वही बात आ गई, घर में बोरिंग का पानी आता ना, हम लोगों ने उसकी आदत डाल ली है भाई, मीठे पानी की। हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है कि हम ये नेस्ले का पानी पियेंगे, ये वो मम्मी डैडी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम मम्मी डैडी नहीं है, हम मम्मी अब्बू वाले हैं भाई, हमारे अम्मा अब्बा कहलाते हैं, ठीक है। क्या जागरू भाई? जावेद भाई। भाई ये हमारे इलाके में ना जिम बना हुआ है एक जावेद भाई का। जावेद भाई कहाँ है आपका जिम? जिम खत्म हो गया? अच्छा बॉडी तो दिखा दोगे बाबा? इनके बाद जिने बोल रहे, इनके बाद जिम नहीं, इनके बाद जिने। अच्छा भाई सीन ये है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया, और बहुत अच्छी बात है कि बायकॉट करा हुआ, इसी तरीके से करके रखें ताकि अल्लाह ताला ना आसानी करे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई जूस वगैरह तो पी लो, जूस वगैरह तो पी लो भाई, कुछ भी नहीं पियोगे। चाय बनवा लूँ? नहीं। क्या ब्लॉग कब आएगा? ब्लॉग आज ही आएगा, हाथ भाई का हर काम। ये देखो, फिर देखो, सुई लगाओ डॉक्टर साहब, सुई लगाओ इस बच्चे के, सुई लगाओ डॉक्टर साहब, सुई लगाओ, लगाऊं सुई लगाऊं? जल्दी से उतरो, भागो घर में, गोटी कल्टी मार। भाई ब्लॉग हाथ के हाथ अपलोड करते हैं फाथ भाई, ठीक है, शाम में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अभी फाथ भाई के नाश्ते का टाइम है, ये मैं तो गेट बंद कर रहा हूँ। मैं गेट बंद कर दो। अमी गेट बंद कर दे। अब नहीं बुलाऊंगा, मैं तो गेट बंद कर दूँ। जल्दी अंदर आओ। भाई मैंने तो बच्चे को ऑफर दी थी कि भाई KFC और मैकडोनल्ड फ्री में खिला रहा हूँ, पर बच्चे ने बोला नहीं भाई, नहीं खानी, फलस्तीन के लिए हमने बिल्कुल बायकॉट करा हुआ। ये बच्चों का जज्बा है यार भाई। यहाँ पर ना अली के दाना निकला हुआ था, तो वो ना फट गया, अली के बेचारे के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने अपने बेटे को अपने पास ले लिया। आप यहाँ लेटो, दाना निकला हुआ था शायद, दिखाओ तो, मेरे बेटे के दाना लगा हुआ था, और ये मेरे बेटे के दाना निकला, दिखाओ। आपको पता है आपका नाम ना मोहम्मद अली है, और अली के मायने पता है क्या होते हैं? शेर दिल बहादुर। आपको तो ये देखो भाई, अली का तो दाना, ये देखो ये रहा अली का ना दाना, ठीक है, ये दाना फट गया ना, पर अली को दर्द थोड़ी हो रहा है अभी। देखो माशाल्लाह से अली स्माइल करेगा, और पता है क्या बोलेगा? पापा मैं तो मजाक कर रहा था, दूर से दर्द हो रहा है मेरे बेटे को। अभी देखना हसन, अभी देखना अली बोलेगा पापा मेरे तो दर्द खत्म हो गया, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। क्या बोलेगा अली? कान में बात सुनो, आओ कान में सुनाओ, इनकी बातें तो भाई कान में ही होती हैं बस। हाँ बोलो। अली बोलेगा मैं तो नाटक कर लूं। मैं नहीं नाटक करता। नाटक खाली हसन करता है ना अली? आप ये मस्जिद में भी बटन खोल के बैठे हुए थे, ये बहुत बुरी बात होती है। ये जो आपने बटन खोले हुए ना गिरे बांध के, इसको बंद करो, बुरी बात होती है।
पापा मैं छोटा बच्चा हूँ ना। हाँ तो छोटे बच्चों तो क्या करे, छोटा बच्चा हूँ। तो छोटे बच्चों आपको बटन लगाना नहीं आता? नहीं। कब सीखोगे ये? बटन लगा लो के बड़े होके। अली तो नहीं है सरा, ये देखो, ये देखो, ओए अली हंस गया, देखा बहादुर है ना अली, है ना हसन, माशाल्लाह से बहादुर है ना अली, आप भी बहादुर हो। अच्छा डॉक्टर नहीं बनो, यहाँ से हट जाओ जल्दी से। हसन आता हूँ, वकीना दाबनार, गुड भाई। हमारे घर में ना सब मिलकर दस्तरखान लगवाते हैं, ये देखो हसन प्लेट ये आली लेके जा रहा है, मैं दाल लेकर जाऊंगा और मेरी वाइफ चाय लेकर चले गई है, अम्मी पराठे लेकर चले गई है। तो भाई ये एक पे हम डिपेंड नहीं करते, सीधी बात है कि बस एक ही बंदा लगा दस्तरखान, हम मिलजुल के सारे काम करते हैं। ये देखो हसन भी जा रहा है, चलो भाई चलो। अली भी हेल्प करवाता, पानी की बोतल्स वगैरह लाता, पर इसलिए नहीं लेकर आया अली क्योंकि भाई अली के ना चोट लगी हुई भी ना, अपने अली को खुद ही नहीं बोला, हमने कहा अली आप आराम करो। भैया पर्दा तो हटा दो हसन, अरे भाई दिल्ली हटाओ, ये देखो गिर जाएगा। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर दस्तरखान रेडी हो गया है, अब हम गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे, उसके बाद आपसे बात होगी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो नाश्ता कर लिया, अब बात करते हैं एक पॉइंट की। भाई बहुत से ज्यादा कमेंट आ रहे थे, यार फहद भाई आपका कंटेंट इतना अच्छा है भाई, आपके पास व्यूज क्यों नहीं आ रहे, ये वो। तो भाई देखें अच्छी चीज को ना थोड़ी देर लगती है यार, तो मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला मेरी स्ट्रगल देख रहे हैं, मैं लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल कर रहा हूँ, किस तरह से टाइम निकालता हूँ एडिटिंग वगैरह ETC, ये सब चीजें ना यार बहुत अहमियत रखती हैं यार, यकीन करें अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों को टाइम देना, जॉब पे टाइम देना, एडिटिंग करना, ये चीजें देखना, और माशाल्लाह से बर्ड्स का सेटअप भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला वैसे तो हिम्मत देगा यार। मेरे ना वीडियो में ना कोई बगैरती नहीं होनी चाहिए, कि मेरी वीडियोस में कोई बगड़ती नहीं होनी चाहिए ना, कि यार देखें सबसे बड़ी बात जो हमारे आजकल जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं कि अपनी फैमिलीज को दिखाते हैं, तो यार मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई, मैं बोलता हूँ नहीं। पहले मैं अपनी वाइफ को दिखाता था मार्क्स के अंदर, हमने बिल्कुल वो भी बायकॉट करा, हमने कहा नहीं यार ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अम्मी को दिखाता था, आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता मैंने अम्मी को भी हटा दिया, नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट कितना है ये होना चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि बस आपने अपनी अम्मी को अपनी माँ बहनों को बगड़ दुपट्टे के दिखा दिया। यार मैं मुंह नहीं खोलना चाहता प्लीज यार, तो इस वजह से फहद भाई के पास व्यूज थोड़े अभी कम हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ज्यादा होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपका भाई ना फोकस नहीं करता व्यूज को, भाई मैं बोलता हूँ मेरी वीडियो से अगर 10 लोग भी कुछ सीख जाए ना, अगर कुछ अच्छी चीज पिक कर लें, तो मैं बोलता हूँ बहुत है यार, ठीक है। अल्लाह मालिक है यार, वो सब अल्लाह के हाथ में, भाई जब वो चाहेगा ना हो जाएगी कामयाबी। तो खैर कोई मसला वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लिया करें, पर वीडियो को एंजॉय करा करें, और हसन और माशाल्लाह अली के लिए ना माशाल्लाह का कमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को मैं एंड करूंगा, इसको एडिटिंग करूंगा, थंबनेल बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, मेरी फुल कोशिश यही होती है कि मेरा जो वीडियो हो ना हाथ के हाथ अपलोड हो डेली, ठीक है। तो चले भाई इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं, जाते जाते भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। बाय बाय।